सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN World, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा स्वराज इन शब्दों के साथ ही हमें अलविदा कह गई। मंगलवार शाम को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। रात 9:35 पर उन्हें अचेतावस्था में एम्स लाया गया था और रात को 10:50 में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। सुषमा स्वराज के अचानक निधन की खबर से सारी दुनिया हैरान हो गई है। देश और विदेशों के राजनेता सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। राजनेता के तौर पर एक अलग छवि कायम करने वाली सुषमा स्वराज ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। केंद्रीय विदेश मंत्री रहने के दौरान सुषमा स्वराज कार्यकाल को शायद ही कोई भूल सकता है। सुषमा स्वराज की पहचान एक अच्छी वक्ता और कुशल राजनेता के साथ साथ देश की सबसे कम उम्र की मंत्री बनने की भी रही है। वर्ष 1977 में वह महज 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनी। साथ ही संस्कृत में उनके कौशल को भी मान दिया जाता था। उनका जन्म 1953 में अंबाला में हुआ था। यहां उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने लगातार 3 वर्ष हरियाणा में होने वाले राज्य स्तरीय हिंदी वक्ता अवार्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का संकेत भी दिया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे 1973 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगी। 1977 में जब वह 25 साल की थी तब वह हरियाणा सरकार में देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी। 1989 में 27 साल की उम्र में वह हरियाणा में जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनी। किसी भी सियासी दल के राष्ट्रीय स्तर की पहली महिला प्रवक्ता बनने का भी गौरव उन्हें प्रदान है। 1990 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में लोकसभा कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू कराया था। 13 अक्टूबर से 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। 21 दिसंबर 2009 को सुषमा स्वराज विपक्ष की पहली महिला नेता बनी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद उन्होंने यह पद ग्रहण किया। 26 मई 2014 भारत सरकार में विदेश मंत्री बनी। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय विदेश मंत्रालय की कार्यप्रणाली ही रही जिसका पूरा श्रेय सुषमा स्वराज को जाता है जिन्होंने वैश्विक पटल पर एक सशक्त विदेश मंत्रालय की पहचान रखने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को ममता का केंद्र भी बना दिया था। कोई भी एक ट्वीट जिसमें मदद की गुहार हो वह सुषमा को बेचैन कर देता था और वह उस शख्स की मदद के लिए दिन रात एक कर देती थी। उन्होंने ट्वीट का जिस तरह से इस्तेमाल किया शायद ही इससे पहले दुनिया में उसका इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल हुआ हो। हालांकि पहले सुरेश प्रभु और बाद में पीयूष गोयल के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने भी ट्वीट का बेहतरीन इस्तेमाल किया लेकिन जिस तरह से सुषमा ने विदेशों से भारतीयों की जान बचाकर लाई उसके आगे कोई भी उपलब्धि बौनी ही लगती है। ट्विटर पर वह जिस तरह से मौजूद रहती थी वह इस बात का भी परिचायक था कि किस तरह सरकार और आम जनता एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। उन्होंने ट्विटर के बेहतरीन इस्तेमाल से जिस तरह लोगों की जान बचाई अगर उसकी बात करें तो इराक में फंसे 168 लोगों को बचाना नहीं भूला जा सकता। जब सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर मौजूद सिर्फ एक वीडियो जिसमें उन्हें टैग किया गया था पर जिस तरह उन्होंने एक्शन लिया और युद्धग्रस्त इराक में फंसे 168 लोगों को बचाकर खूब वाहवाही लूटी। दोहा से भारतीय को बचाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। प्रांशु सिंगल नाम के एक शख्स ने सुषमा को टैग करते हुए एक ट्वीट किया कि दोहा एयरपोर्ट पर फंसे उनके भाई को बचा ले। बस फिर क्या था, सुषमा ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत और प्रांशु के भाई को बचाने में और उन्हें बचा भी लिया। फिर एक बार जर्मनी घूमने गई एक महिला ने अपना पासपोर्ट और पैसा गवा दिया था जिस पर उन्होंने ट्वीट के जरिए मदद की गुहार लगाई और सुषमा ने उनकी भी मदद की। जब भारतीय से शादी करने वाली एक यमन महिला ने अपने 8 महीने के बच्चे की फोटो ट्वीट करके उन्हें वहां से निकालने की गुहार लगाई और सुषमा ने मदद के हाथ बढ़ाए। तस्करों से छुड़ाकर लाई गई भारतीय लड़कियों को जिस तरह उन्होंने बचाया था वो भी कहां भूला जा सकता है। जब
देव तंबोली नाम के एक शख्स ने ट्वीट करके यूएई में तस्करों से उनकी बहनों को छुड़ाने के लिए मदद मांगी थी और सुषमा स्वराज ने तुरंत उन्हें मदद किया भी था। यहाँ तक कि उन्होंने भारत में भी विदेशियों को अपनों की तरह मदद की। जब डेनमार्क से सुजेन लुकानो की बहन ऋषिकेश में गायब हो गई थी और सुषमा की पहल पर युवती को ढूंढ निकाला गया था, वहीं दक्षिण अफ्रीका से भारतीय लड़की को भी जिस तरह वो सुरक्षित घर लेकर आई वो कहाँ भूला जा सकता है। दरअसल भारतीय मूल की एक लड़की को दक्षिण अफ्रीका के एक घर में कैद करके रखा गया था। उसके बाद मारपीट होने की भी आशंका जाहिर करते हुए गोपाल केशरी ने एक ट्वीट किया था, जिस पर सुषमा स्वराज ने तुरंत एक्शन लिया और लड़की को बचाकर सुरक्षित वापस लेकर आई। वहीं यमन से करीब 7,000 लोगों को बचाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। युद्धग्रस्त यमन में फंसे 4,741 भारतीय और 1947 विदेशी नागरिकों को ऑपरेशन राहत चलाकर बचाया गया। यह उस समय में चलाया गया सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें करीब 7,000 लोगों को हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग के जरिए बचाया गया। लेकिन अब 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज के अंतिम सांसों के साथ ही हमारे बीच से वो मदद का हाथ हमसे छूट गया। TNN वर्ल्ड की तरफ से सुषमा स्वराज को नम आंखों से श्रद्धांजलि।